बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। आज हम बना रहे हैं सिंधी बिरयानी और बहुत ही आसान रेसिपी के साथ इसे बनाएंगे। इसके लिए हम यूज़ करेंगे अपना होममेड सिंधी बिरयानी मसाला। इसके लिए मैंने 1 kg चिकन ली है और साथ ही 1 kg राइस भी लूँगी मैं। अगर आप बिरयानी के लिए सेला चावल यूज़ करती हैं तो उसे 2 से 3 घंटे पहले भिगो कर रख दीजिए। मैं इसे बासमती चावल में बनाऊँगी तो सिर्फ 1/2 घंटे पहले मैं इसे भिगो के रखूँगी। 250 ml ऑयल यानी 1 पाव तेल में 2 दरमियाने साइज़ की प्याज गोल्डन करके उन्हें चूरा करके रख लिया है। और आप बिरयानी के लिए ऑयल की जगह घी का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन बिरयानी हमेशा ऑयल में अच्छी बनती है। अब इस ऑयल में से हम थोड़ा सा ऑयल निकाल लेंगे दम के टाइम चावलों के ऊपर डालने के लिए। मीडियम फ्लेम पर हमने ऑयल रख दिया है। सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे 1 tablespoon अदरक लहसुन का पेस्ट भर के और इसे 30 सेकेंड तक सौते करना है। अदरक लहसुन के पेस्ट को 30 सेकंड हमने सौते कर लिया है। अब इसमें शामिल कर देंगे हम 2 बड़े साइज़ के टमाटर थिनली स्लाइस्ड। अगर बड़े नहीं हैं आपके पास तो आप दरमियाने साइज़ के 3 टमाटर इस्तेमाल कीजिए। अब इसमें चली जाएगी 250 ग्राम्स यानी 1 पाव के करीब दही। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे होममेड सिंधी बिरयानी मसाला, गोल्डन की हुई प्याज। इसकी फ्लेम कर देंगे स्लो और इसे अच्छा सा मिक्स देंगे। अब इसे कर देंगे कवर और स्लो फ्लेम पर इसे 5 से 7 मिनट तक पकने देंगे। मसाले को स्लो फ्लेम पर पकते हुए 6 से 7 मिनट हो गए हैं। अब इसे चेक करते हैं। टमाटरों को इस तरह मैश कर लेंगे। टमाटरों को हमने हल्का फुल्का सा मैश कर लिया है। ये अभी चिकन के साथ भी पकेंगे। अब इसमें शामिल कर देंगे चिकन। अब मीडियम फ्लेम पर चिकन को इसका कलर चेंज होने तक हम पकाएंगे। साथ साथ चम्मच भी चलाते रहेंगे ताकि हर तरफ से चिकन का कलर चेंज हो जाए। 1 मिनट में ही चिकन का कलर चेंज हो गया है। अब इसकी फ्लेम कर देंगे स्लो और कवर करके इसे 10 मिनट तक पकने देंगे। जितनी देर में कौरमा रेडी होगा हम चावल बॉईल कर लेंगे। चावल 1 किलो है तो इससे 4 गुना ज़्यादा पानी हम लेंगे, यानी 4 लीटर इसमें पानी होना चाहिए, और अगर ज़्यादा हो तो बहुत ही अच्छा है। अब पानी में चला जाएगा नमक। मैं नमक का सच कोई रेशियो रखती नहीं हूँ, क्योंकि हम इसे जब बॉइलिंग वाटर में चावल शामिल करेंगे तो चावल उतना ही नमक सोख करेंगे जितना उनको ज़रूरत है। जैसे ही पानी में बॉईल आएगा हम इसमें चावल शामिल करेंगे। पानी में बॉईल आ गया है, अब इसमें हम चावल शामिल करेंगे। अब चले जाएंगे इसमें चावल। अगर आप सीला में बना रही हैं या इसे बासमती चावल में बना रही हैं, दोनों सूरतों में इसे एक कनी रह जाएगी तो इसे पसा लेंगे और इसका कम अज़ कम 1 कप पानी हम चावलों का ही बचा के रखेंगे। बासमती चावल अगर आपका पुराना है तो उसे 30 मिनट भिगो के रखिए, और अगर पुराना चावल नहीं है, नया है, तो उसे धो के और पानी में शामिल करना है। चिकन को पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं स्लो फ्लेम पर। ये देखिए कितना इसने पानी रिलीज़ किया है अपना। चिकन हाफ डन हो गई है। इस स्टेज पे हम इसमें शामिल कर देंगे आलू। आप आलूओं की मकदार को हस्बे शौक़ कम या ज़्यादा कर सकती हैं, और अगर आपके घर में पसंद नहीं किए जाते तो आप इसे स्किप भी कर सकती हैं। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे हम 1 tablespoon लेमन जूस। इससे एक फ़ायदा ये होगा कि चिकन टूटेगी नहीं। और अब इसकी फ्लेम को कर देंगे मीडियम। इसे देंगे एक अच्छा सा मिक्स। फ्लेम इसके मीडियम ही रहने देंगे। कवर को करेंगे इसे 10 मिनट तक। चिकन और आलूओं को पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं। तो देखिए अभी भी इसमें पानी है। अब इसकी फ्लेम को हम बढ़ा देंगे और इसकी भुनाई करेंगे। लेकिन भुनाई हमें करनी है तो चम्मच नहीं चलाना है इसको, बस इस तरह कॉर्नर से पकड़ के और इस तरह शेक करेंगे तो ये इसकी भुनाई हो जाएगी। इसमें जोश वाले के साथ चम्मच नहीं चलाने और कवर भी अब नहीं करना। भुनाई करते हुए जब कोरमे का ऑयल सेपरेट होने लगे उस वक्त इसमें शामिल कर देंगे 1 गट्ठी हरे धनिए की, इसे काट लिया है, और 1 बड़ी गट्ठी पुदीने की, इसकी पत्तियाँ सिर्फ चाहिए। इस वक्त भी इसमें हम चम्मच नहीं चलाएंगे बल्कि इसको शेक करके ही और भुनाई करते रहेंगे, ये इसमें मिक्स हो जाएंगे। कोरमा बहुत अच्छी तरह भुन गया है, इसका ऑयल सेपरेट हो गया है। इसमें मोटी हरी मिर्चें 4 से 5 इनको बीच में से कट लगा के ये शामिल कर देंगे। इसमें एक दरमियाने साइज़ का नींबू इस तरह स्लाइसिस करके इसे एक बार शेक करेंगे। इसकी फ्लेम कर देंगे ऑफ और कवर करके 10 मिनट तक इसे दम पर रहने देंगे, उसके बाद इसे दम लगाएंगे। बिरयानी को दम देने के लिए 1/2 चावलों की तह सबसे पहले लगाएंगे, इसके ऊपर अब कोरमा डाल देंगे। अब कोरमे के ऊपर बचे हुए सारे चावल डाल देंगे। अब इसके ऊपर चावलों का बचा हुआ 1 कप पानी ये डाल देंगे और इसे गर्म होना चाहिए। अगर ठंडा हो जाए तो दोबारा इसे गर्म कर लीजिए।
थोड़ा सा फूड कलर। बिरयानी के लिए हमने सबसे पहले जो तेल निकाला था वो इसके ऊपर डाल देंगे। एंड में इस पर 3-4 टेबल स्पून केवड़ा वाटर, एक साफ़ सुथरा दस्तरखान, इसको कवर कर देंगे और थोड़ा सा इसको अंदर प्रेस कर देंगे। अब कर देंगे इसको लिड से कवर। अब ये दम पे जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। दम देने के लिए सबसे पहले तवे को प्री हीट कर लीजिए, उसके बाद दम दीजिए। बहुत अच्छा दम आता है और दाग भी नहीं लगता। बिरयानी को तवे पे रख दिया है हमने और 10 मिनट इसको हाई फ्लेम के ऊपर दम देना है। जैसे ही इसमें स्टीम आएगी इसको स्लो कर देना है दम की, और 7-8 मिनट मज़ीद दम देंगे इसको। बिरयानी को दम पर करीब 16-17 मिनट हो गए हैं, अब इसे हम चेक करते हैं। देखिए इसमें कितनी ज़बरदस्त स्टीम बनी हुई है, इसको भी टेस्ट करते हैं। मैंने इसके ऊपर एक दरमियाने साइज़ का लेमन उसको स्लाइस करके एंड में डाला था, भूल गई थी मैं, तो बाद में मैंने इसमें शामिल किया था। इसको चेक करते हैं। एक कॉर्नर पे इस तरह स्पून से या कफगीर से इसको चेक करेंगे। देखिए मॉइस्चर नहीं आ रहा है इसमें, बिल्कुल अच्छी तरह दम लग गया है इसको। और अब हम फ्लेम इसी कर देंगे ऑफ़, और अभी सर्व नहीं करेंगे इसको, चलाएंगे नहीं। 10 मिनट तक इसको स्टेबल होने देंगे, उसके बाद जब इसे सर्व करना होगा तो एक कोने से मिलाते जाएंगे और इसको सर्व करते जाएंगे। सारी को शोरबे की तरह इसमें चम्मच नहीं चलाना है, मिक्स नहीं करना है। लजीज सिंधी बिरयानी रेडी है। ये इसकी बहुत ही ईजी और जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है। इस सिंधी बिरयानी की ख़ास बात इसका होममेड सिंधी बिरयानी मसाला है, जो इसकी लज्जत में बेपनाह इजाफा कर देता है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, पसंद आए तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।